भोपाल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर के नाम पर छतरपुर में घोटाला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरपंच ने उनके नाम की जमीन पर मनरेगा के तहत तालाब खुदवाने के नाम पर करीब 3.25 लाख की राशि स्वीकृत करा ली और फर्जी मजदूरों के नाम पर 2,27,000 की राशि निकाल ली। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। जनपद के अधिकारियों की मिली भगत के चलते लवकुश नगर के पूर्वा बमहौरी में सरपंच के द्वारा मनरेगा के तहत राशि निकालने और घोटाला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरपंच ने भोपाल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर के नाम पर तालाब निर्माण के लिए 2,88,000 स्वीकृत करवा लिए और 20 मजदूरों का काम दिखाकर फर्जी मास्टर भरकर 2,27,000 की राशि निकाल ली और बाकी की राशि निकालने के लिए जनपद उपयंत्री ने मौके पर जाकर निरीक्षण न करने की वजह से अटक गई। इस घोटाले में सबसे बड़ी बात है कि खेत तालाब योजना का प्रस्ताव सरपंच ने सीधे जनपद इंजीनियर को देकर पास करवा लिया। ना ही इंजीनियर ने इस प्रस्ताव की जांच की और ना ही मौके का मुआयना किया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला सीईओ से की, जिस पर जिला सीईओ ने पूरे मामले के जांच के आदेश कराते हुए दोषी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। गौरतलब है कि डिप्टी कलेक्टर विजय वंशकार का यहाँ पुश्तैनी मकान है, लेकिन वह पिछले 40 सालों से कभी गांव नहीं आए। उस पर जांच के आदेश दिए थे, जांच के बाद कार्रवाई करने के आदेश थे। उसमें कुछ और तथ्य सामने आए हैं, उस तथ्य में भी जांच करने के आदेश दिए हैं। जैसे तथ्य सामने आ जाएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी उन पर, फिर संबंधित जो भी अधिकारी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये था कि खेत तालाब बना दिया था, अब उसमें हितग्राही सिलेक्शन के ऊपर डाउट है कि सही सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, यही मामला। बमहौरी पूर्वा में शिकायत आई थी कि डिप्टी कलेक्टर के नाम से खेत तालाब हुआ है, तो उस पर जो है ना मेरे संज्ञान में जो भी प्रकरण आया, तो मैं फील्ड में गया हूँ, देखा हूँ और ये तथ्य है कि उनकी ज़मीन पे जरूर हुआ है, परंतु वो यहाँ है नहीं, वो भोपाल में है और गांव वालों ने बताया कि वो 40 साल से इस गांव में आए नहीं हैं। इसलिए इस प्रकरण में हम बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं कि कोई इसमें निर्दोष ना फंसे और जिसने गड़बड़ किया है उसके ऊपर कार्रवाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।